So in the previous lectures, we have studied about the selection criteria of extrusion. Different जो है वो हमने types पढ़ी extrusion की, और हमने जो है वो देखा कि किस तरह एक manufacturer जो है वो extrusion की type को select करता है. हमने dry extrusion के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने देखा कि external जो है वो source energy का हम उसमें नहीं apply करते. उसके अंदर जो है वो फ्रिक्शन की वजह से जो है वो इंटरनल जो है वो हीट प्रोड्यूस होती है, जो कि ज्यादातर उसकी प्रोसेसिंग करती है. और उसका जो एक ऑपोजिट जो है टाइप ऑफ एक्सट्रूजन है वो है वेट एक्सट्रूजन, और जिसकी एक हम टाइप आज पढ़ेंगे, जिसमें हमने सेगमेंटेड स्क्रू बैरल या फिर सिंगल स्क्रू वेट एक्सट्रूडर जो है इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे. सो द इंट्रोडक्शन. Segmented screw barrel, single screw extruders are the most widely applied cooking extrusion design in the food, pet and feed processing industry. Wet means that steam and water can be injected into the barrel during process. तो ये जो है उसे opposite है dry से. इससे जो है वो हम इसमें steam और water जो है वो externally जो है वो हम इसके अंदर inject कर सकते हैं. हम इसके अंदर installation ऐसी करते हैं, इसकी modification ऐसे करते हैं कि हम outside जो है वो steam और water इसको provide कर सकते हैं. और ज्यादातर जो है ये हमारी फूड, पेट फूड्स और फीड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए ही यूज होता है. टिपिकली द बैरल ऑफ दीज मशीन्स आर आल्सो इक्विप्ड विद हीटिंग एंड कूलिंग जैकेट्स. तो ये जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, तो ये जो इसका बैरल है, इस बैरल के अंदर इसमें मुख्तलिफ जो है वो हीटिंग या कूलिंग जैकेट जो है वो मुख्तलिफ सेगमेंट्स के जो है वो हम इसके अंदर इंस्टॉल कर देते हैं. इसलिए हमने इसको सेगमेंटेड स्क्रू बैरल भी टर्म किया. The products produced range from fully cooked light density corn snacks to dense partially cooked and formed pasta. तो इसके अंदर जो है वो इसकी डिफरेंट जो है वो वर्सिटिलिटी है इसकी प्रोडक्ट्स में. लाइट डेंसिटी जो है वो कॉर्न स्नैक्स में हमारे पास इसमें हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, या फिर जो पार्शली कुक्ड होते हैं, या कुछ सेमी जैसे आप इंस्टेंट नूडल्स खाते हैं, या कुछ सेमी प्रोसेस्ड पास्ता प्रोडक्ट्स हैं, वो भी हम इस तरह की एक्सट्रूजन से मैन्युफैक्चर कर सकते हैं. सिंगल सेगमेंटेड स्क्रू एक्सट्रूडर जो है ये आप देखें कि मुख्तलिफ सेगमेंट्स के अंदर जो है वो इसको जो है वो हमने डिवाइड किया होता है. और जब हम इसके अंदर हमने कुछ एक्सटर्नल जो है वो वाटर या स्टीम की जो है इंजेक्शन करनी है, तो इसकी जो बैरल की आप देखेंगे मुख्तलिफ सेगमेंट से हम इसको यहाँ से हम इसको मॉडिफाई कर लेते हैं, या फिर जो है वो इसकी हमने वो भी स्टीम लॉक्स के बारे में भी हमने देखा था ड्राई एक्सट्रूजन में. तो इसके जो अगर हमने स्टीम लॉक्स इसके अंदर भी हमने लगाने हैं, तो हम इसको मुख्तलिफ इसको चैम्बर से हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर नीड. कंपोनेंट्स. द टिपिकल सिंगल स्क्रू एक्सट्रूडर कंसिस्ट ऑफ लाइव बिन फीडिंग बिन, फीडिंग स्क्रू, प्री कंडीशनिंग सिलेंडर, एक्सट्रूडर बैरल, डाई एंड नाइफ. तो इसके भी टिपिकल वैसे ही इसके कंपोनेंट्स हैं जिस तरह के एक टिपिकल एक्सट्रूडर में होते हैं, लेकिन इसका जो लाइव बिन और फीडिंग बिन है वो वेट एक्सट्रूजन के अंदर बहुत जो है वो इंपॉर्टेंस रखता है, वो हम आगे जाके देखेंगे इसमें. बाकी इसमें वही जो इसका फीडिंग स्क्रू है, अगर हम इसमें एग्जिटेटर नहीं इंस्टॉल किया हुआ जिस तरह हमने ड्राई एक्सट्रूजन में देखा था कि एजिटेशन जो है वो हम उसमें परफॉर्म करते हैं एजिटेटर से, तो इसमें हम फीडिंग स्क्रू को इंस्टॉल कर देते हैं जस्ट इन द स्टार्ट ऑफ आवर एक्सट्रूजन जो है हमारे स्क्रूज की ओपनिंग से पहले. और फिर जो है वो इसमें हम प्री कंडीशनिंग सिलेंडर को भी जो है वो हम इसमें इस्तेमाल करते हैं अगर हमने उसकी प्रोडक्ट की प्री कंडीशनिंग करनी है. बाकी इसके अंदर वो एक्सट्रूजन बैरल जो है वो जो टिपिकल होता है जिसमें हमारा स्क्रू इंस्टॉल होता है, एंड के ऊपर जो हमारी डाई एंड नाइफ. The live bin provides a buffer of raw material so the extruder can operate without interruption. तो लाइव बिन जो है इसका मैंने आपको बताया कि ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है इसके अंदर. एक तो ये हमारे मटेरियल को बफर प्रोवाइड करता है, उसको फैसिलिटेट करता है उसकी जो है वो मिक्सिंग को, और दूसरा जो है ये कॉन्टिन्यूस सप्लाई होनी चाहिए जो है थ्रू आउट आवर एक्सट्रूजन जो है वो इसके अंदर जो है वो किसी भी तरह की जो है वो स्टॉपेज ना हो हमारे फीडिंग के अंदर जो मटीरियल की है. तो लाइव बिन जो है वो एक कॉन्टिन्यूस सप्लाई करता है मटीरियल को, और उसको मटीरियल को बफर भी प्रोवाइड करता है. Typically, the height of the raw material in the bin is maintained with defined limits by high and low sensors, which activate a conveyor supplying the bin. इसके अंदर कुछ सेंसर्स भी लगे होते हैं इस बिन के अंदर. अगर कुछ इंटरप्शन आ रही हैं हमारी फीडिंग के दौरान, या फिर अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, अगर हमारे प्रॉपर जो है वो मटेरियल जो है वो आगे जो है वो मूव नहीं कर रहा हमारे जो है वो स्क्रूज की तरफ या बैरल की तरफ, तो ये जो है वो सेंसर्स भी हमें इसके अंदर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं. The bin is designed to prevent bridging of its contents and blocking the feed screw leading to the preconditioner.
ब्रिजिंग जिस तरह वो एक पुल बन जाता है ना, तो इस तरह जो है वो जो ये जो बिन है ये एक ब्रिज बना, ये जो है वो जो एक ब्रिज बनता है हमारा, जो जिस तरह आप देखें क्लॉगिंग सी हो जाती है हमारे मटेरियल में लंबी सी, तो उस तरह की जो जितनी भी प्रॉब्लम्स हो या ब्लॉकिंग हो अगर हमारी फीड की, तो ये बिन हमने इस तरह डिजाइन किया होता है कि इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम उसके अंदर ना हो। और अगर हमने आगे प्री कंडीशनर के अंदर अपना मटेरियल मूव करना है तो वो भी इसको इजिली आगे उसको मूव कर दे। Because single screw extruders have relatively poor mixing ability, they are usually supplied with pre-mixed material, which often has been pre-conditioned with added steam and water. तो इसकी जो है वो हमने स्टार्ट में ही देखा था कि इसके अंदर हमें प्री कंडीशनिंग अप्लाई करनी पड़ती है, इसके अंदर हमारे पास एजिटेशन मौजूद नहीं होती, तो इसकी जो है और इसके अंदर सिंगल स्क्रू की इन्वॉल्वमेंट होती है जो बहुत स्लोली स्लोली भी मूव करता है, तो इसमें हमें ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो अगर हमने इसके अंदर अपनी एफिशेंसी बढ़ानी है तो हमें अपने मटीरियल को प्री कंडीशन करना पड़ता है स्टीम से या वाटर से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इसका पॉइंट है, हमने शुरू में भी देखा कि इसके अंदर हम एक्सटर्नल स्टीम और वाटर की इंजेक्शन कर सकते हैं जो हम ड्राई एक्सट्रूजन में नहीं कर सकते थे, उसके अंदर हमने एजिटेशन की इन्वॉल्वमेंट की हुई थी, इसके अंदर हमने प्री कंडीशनिंग करनी अपने मटेरियल की। जनरली प्री कंडीशनिंग प्रायर टू एक्सट्रूजन एनहांसेस एक्सट्रूजन प्रोसेसिंग व्हिच बेनिफिट्स फ्रॉम हायर मॉइस्चर कंटेंट एंड लॉन्गर इक्विबेशन टाइम। और जो प्री कंडीशनिंग है वो अगर हम इसको एक्सट्रूजन की अपनी प्रोसेसिंग से पहले कर लेते हैं तो उसके काफी ज्यादा फायदे हैं। एक तो उसके वो मॉइस्चर कंटेंट को जो है वो मॉडरेट रखता है, उसको डिस्टर्ब नहीं होने देता, और जो लॉन्गर जो उसका इक्विलिब्रेशन टाइम है उससे भी हमें जो है वो उसमें भी हमें फैसिलिटेट करता है। प्री कंडीशनिंग ऑफ द रॉ मटेरियल टिपिकली इंप्रूव्स द लाइफ ऑफ वेरिंग कंपोनेंट्स इन द एक्सट्रूडर ऑफ बाय सेवरल फोर्स। और प्री कंडीशनिंग का एक और फायदा जो है वो ये है कि जो हमारे वियर एंड टियर का प्रॉब्लम आता है कुछ मशीन के अंदर, अगर डैमेज का प्रॉब्लम आता है, अगर कुछ रस्टिंग हो रही है हमारे उसकी स्क्रू या बैरल के दरमियान कुछ डैमेज हो रहे हैं, हमारी डाई में प्रॉब्लम आ रही है, अगर हम अपने मटेरियल को पहले प्री कंडीशन कर देंगे तो हम इस तरह के काफी जो है वो मसाइल से बच सकते हैं। तो ये आपने इसका वर्किंग प्रिंसिपल जो है और जो इसके कुछ कानून है इस एक्सट्रूजन में वो आपने माइंड में रखना। सिंगल स्क्रू एक्सट्रूडर बैरल असेंबली इज कम्पोज ऑफ जैकेटेड हेड, rotating extruder shaft which carries screws and shear locks, stationary barrel housing, a die product cut off knife. तो इसके जो हैं वो जो हमारा जो पूरा बैरल होता है इसके अंदर उसकी असेंबली में क्या चीजें होती हैं, एक जैकेटेड हेड होता है उसका, और उसके अंदर हमने जो है वो डिफरेंट जो है वो स्क्रू जो सिंगल स्क्रू अटैच किया होता है जिसमें हमने डिफरेंट जो है वो शेयर लॉक्स मुख्तलिफ सेगमेंट्स में जो है वो लगाए होते हैं। एक उसका जो है वो स्टेशनरी बैरल हाउसिंग है, ठीक है ना, जो कि आपकी जो है वो मूव नहीं कर रही इसलिए उसको स्टेशनरी टर्म किया गया, एंड के ऊपर उसकी डाई है और उसकी नाइफ है। द स्क्रू आर द की एलिमेंट्स ऑफ द सिंगल स्क्रू एक्सट्रूडर एंड देयर ज्योमेट्री इन्फ्लुएंस परफॉर्मेंस ऑफ द एक्सट्रूडर। एक ही स्क्रू की इन्वॉल्वमेंट है इसमें, सिंगल स्क्रू हमने पहले भी इसके बारे में जो है वो पढ़ा था कि इसमें एक जो है वो स्क्रू होगा तो उसको हमने सिंगल स्क्रू कहना है, जब उसमें दो स्क्रूज आ जाएंगे तो हम उसको ट्विन स्क्रू कहेंगे। तो एक स्क्रू की अंदर जो है वो उसकी ज्योमेट्री जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो इम्पोर्टेंस रखती है, जिस एंगल के साथ वो हमारे बैरल के साथ उसमें जो है वो इंस्टॉल हुआ है वो उसकी शियर जो फ्लाइट्स हैं जो उसकी या उसको शियर फोर्स लग रही है वो उस पर बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस क्रिएट करता है। अगर उसकी ज्योमेट्री में कोई फर्क आ गया या उसकी अगर हम थोड़े से भी आप देखें कि एंगल में कुछ जो है वो प्रॉब्लम है तो हमारे मटीरियल के जो है वो उसको टेक्सचर को भी डैमेज कर सकता है। Barrel bore may be uniform in diameter from inlet to discharge. It can be tapered, decreasing in a bore diameter from inlet to discharge. तो जो इसका हमने बैरल जो है वो उसके बारे में देखा कि जो उसका जो बोर होता है वो यूजली जो है वो यूनिफॉर्म इन डायमीटर ही होता है स्टार्ट से एंड तक, या फिर जो है वो उसके अंदर हम उसको कुछ नैरो कर सकते हैं अगर हम उसको जो है कुछ उसकी मॉडिफिकेशन करना चाहें, और वो इनलेट टू डिस्चार्ज लेकिन हम उसके अंदर जो है यूनिफॉर्म जो है वो एक उसका जो है वो रूट रखेंगे, और इट कैन बी यूनिफॉर्म डायमीटर विद द फाइनल सेगमेंट ऑफ द बैरल बीइंग टैपर्ड और डिक्रीजिंग इन डायमीटर। तो कुछ जगह से जो है वो उसको हम नैरो भी हमने देखे हैं, कुछ अगर हम आगे देखेंगे तो हमें कुछ और टाइप्स के हमें सिंगल स्क्रू मिलेंगे जिसमें उसका जो है वो बैरल की शेप जो है वो थोड़ी सी जो है वो हमें बेंड हुई हुई नजर आएगी, लेकिन अगर वो बेंड भी है लेकिन उसका जो
रूट होगा हमारे स्क्रू का या हमारे मटेरियल का वो बिल्कुल यूनिफॉर्म होगा थ्रू आउट उस बैरल के अंदर. अ स्क्रू कॉन्फ़िगरेशन कंसिस्टिंग ऑफ अ बैरल पिच, कॉन्स्टेंट डेप्थ, इंक्रीजिंग रूट डायमीटर, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ फ्लाइट, शियर लॉक्स. तो ये कुछ जो है वो टर्मिनोलॉजीज हैं जो फूड इंडस्ट्री में यूज होती हैं इस वेट एक्सट्रूजन में, या सिंगल स्क्रू जो सेगमेंटेड बैरल वाला जो हमने ये देखी है टाइप. कुछ जो है वो इंडस्ट्री के अंदर जो है वो टेक्नोलॉजीज जो है वो इस इन टर्मिनोलॉजीज या इन पैरामीटर्स की बुनियाद पर जो है वो हमारे प्रोडक्ट को चेक करते हैं और जो है वो उसकी या उसकी जो जो एक्सट्रूजन की जो कुछ पैरामीटर्स हैं उसको ये चेक करते हैं, उसकी फ्लाइट्स होती हैं या उसके रूट डायमीटर, उसके शेयर लॉग्स हैं. आगे हम इसके देखेंगे जो कौन कौन से जो हैं वो इसके प्रोसेसिंग जोन्स हैं जब इसमें फूड एंटर मटेरियल एंटर होता है और इसमें प्रोसेस होता है. सिंगल स्क्रू बैरल कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 प्रोसेसिंग जोन्स, फीडिंग जोन, नीडिंग जोन एंड द फाइनल कुकिंग जोन. इसके 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं इसके जो प्रोसेसिंग के, ये आपने याद करने हैं. इसके अंदर फर्स्ट जो है वो उसको जब हमने सप्लाई किया मटीरियल, फीड किया, नीडिंग जिसको हम जो है वो उर्दू में गूंदना भी कहते हैं, आटे को जब हम गूंदते हैं तो उसमें प्रेशर अप्लाई होता है, फोर्स अप्लाई करते हैं, और फाइनल कुकिंग जोन है उसकी. द फीडिंग जोन जनरली हैज डीप चैनल्स विद रिसीव द फीड, व्हिच रिसीव्स द फीड. द प्री कंडीशनड और ड्राई मटेरियल एंटरिंग दिस जोन इज कन्वेयर्ड टू द नीडिंग जोन. इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है ना, इसका काम फीड का जो है वो आगे कन्वे करना हमारे नीडिंग जोन को, इस मटीरियल को. और ये प्री कंडीशन भी हो सकता है और ये ड्राई भी हो सकता है, डिपेंड करता है हम कौन सी टाइप ऑफ प्रोडक्ट जो है वो उसको हम इसमें प्रोसेस कर रहे हैं. जी, वाटर में बी इंजेक्टेड एट दिस पॉइंट टू हेल्प डिवेलप अ डो इनटू हीट ट्रांसफर इन द एक्सट्रूडर. तो इस स्टेप के ऊपर जो फीडिंग हमारा जो स्टेप है इसमें हम वाटर की इंजेक्शन कर सकते हैं. जैसा हमने फर्स्ट स्लाइड में देखा कि इस एक्सट्रूजन के अंदर हम एक्सटर्नल स्टीम और वाटर को इंजेक्ट कर सकते हैं. एज द मटीरियल इज कन्वेयर्ड इनटू द नीडिंग जोन इट्स डेंसिटी डिक्रीज बिकॉज ऑफ वाटर एंड स्टीम एडिशन. तो फॉर एग्जाम्पल अगर हमने इसमें वाटर या स्टीम एडिशन कर दी है तो इसकी जो है वो डेंसिटी जो है वो इसकी इंक्रीज हो जाएगी प्रोडक्ट. इस तरह के जो है वो आपको क्वेश्चंस जो है वो पूछे जा सकते हैं एग्जाम में. स्क्रू पिच इन दिस जोन डिक्रीजेस एंड द फ्लाइट एंगल आल्सो डिक्रीजेस टू फैसिलिटेट मिक्सिंग एंड अ हायर डिग्री ऑफ बैरल. तो इस जोन के अंदर जब वो जो है वो जा रहा होता है हमारे फीडिंग जोन से हमारे नीडिंग जोन की जानिब, तो इसके अंदर जो है वो उसकी स्क्रू पिच जो है या उसकी जो फ्लाइट होती है वो थोड़ी डिक्रीज हो जाती है और उसका फ्लाइट एंगल भी जो है वो डिक्रीज होता है जो उसके जो मिक्सिंग को जो है वो एंड के ऊपर फैसिलिटेट करता है. दिस जोन अप्लाइज कंप्रेशर, माइल्ड शियर एंड थर्मल एनर्जी टू द फीड स्टॉक एंड द एक्सट्रूडेड बिगिंस टू लूज सम ऑफ इट्स ग्रैनुलर डेफिनेशन. तो जब ये इसको नीडिंग सेक्शन की तरफ जाता है तो इसके अंदर कंप्रेशन अप्लाई होता है, इसके अंदर माइल्ड शियर फोर्स अप्लाई होती है, थर्मल एनर्जी भी हम इसको प्रोवाइड कर सकते हैं. तो यहाँ जो है वो अपनी फाइनल टेक्सचर जो है वो खोना शुरू होता है. तो ये एक टिपिकल जो है ये आप सिंगल स्क्रू एक्सट्रूडर देख रहे हैं. इसको जो है वो हम फर्दर भी हम इसको देखेंगे, इसमें जो स्क्रू इंस्टॉल हुआ हुआ है, फीडिंग सेक्शन है, एंड के ऊपर आप देख रहे हैं डाई या फिर वो बैरल. As the extruded moves through the kneading zone, it begins to move an increasing cohesive and increasing cohesive flowing dough mass, which typically reaches its maximum compaction. तो जब वो फाइनली जो है वो उसको नीडिंग सेक्शन में चले गया है और इसकी जो है वो कंप्रेशन हमने इसको अप्लाई कर दिया है तो वो हमारा जो प्रोडक्ट है वो एक फाइनल जो है वो हम उसको एक कॉम्पैक्शन मिल जाती है. At this stage, the material enters the extruder final cooking zone. अब जो है हमारा material final cooking zone की तरफ जो है वो आगे बढ़ रहा है. Crew flights in this zone are typically shallow and have a short pitch. तो इसके अंदर जो है वो कुछ हमें फ्लाइट जो हैं वो अब शैलो देखते हैं, छोटी जो हैं वो इसमें हमारे पास पिच जो हैं वो आती हैं. द फंक्शन ऑफ दिस जोन इज टू कंप्रेस एंड पंप द मटीरियल टू फॉर्म अ इन द फॉर्म ऑफ अ प्लास्टिसाइज मास टू द डाई. अब इस जो हमारा सेक्शन है इसका जो मेन हमारे पास जो इसका फंक्शन है वो उसको कंप्रेस करके एक प्लास्टिसाइड फॉर्म में ले आना. टेम्परेचर एंड प्रेशर टिपिकली इंक्रीज वेरी रैपिडली इन दिस रीजन बिकॉज ऑफ द एक्सट्रूडर स्क्रू कॉन्फ़िगरेशन.
तो इसके ऊपर पहले कंप्रेशन भी अप्लाई हो चुकी है, हमने टेम्परेचर का भी इसमें देखा कि हमने पीछे जो है उसमें थर्मल अप्लाई किया, तो फाइनल जब वो स्टेज पे आता है तो टेम्परेचर और प्रेशर उसका इंक्रीज हो जाता है और अब जो है वो उसकी फाइनल जो है वो शेप आ रही है प्रोडक्ट की। Here is the highest in this zone and the product temperature it is its max reaches its maximum and is held for less than 5 seconds before the product is forced to the die. So wahi baat ki iski ke iske andar shear jo hai is stage ke upar high hoga. Ye bhi aapne yaad rakhna hai ki jab wo end cooking zone pe jata hai to uski shear force is zone ki jo hai wo highest hoti hai. The product expands as a result of moisture evaporation as it exits through the die into a region of lower pressure. So ab wo jo hai wo different pressure zone se jab wo change hua तो प्रोडक्ट का जो है वो एक्सपेंशन देखने को मिलती है जिसको हम एक्सपेंडर्स भी कहते हैं या एक्सपेंडेड प्रोडक्ट्स जो है हमारे पास आ गए। द एक्सट्रूडर मटेरियल कैन देन बी कट इनटू डिजायर्ड लेंथ बाय द नाइफ अटैचमेंट। एंड के ऊपर जब वो डाई से निकल रहा होता है तो हम उसमें मुख्तलिफ कटर्स लगे होते हैं जो उसको कट करते हैं अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट जिस तरह की हम उससे प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हैं। जी थैंक यू वेरी मच।